धार जिले के पीथमपुर में पत्रकार को खनन और कंस्ट्रक्शन माफिया द्वारा जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। आज औद्योगिक नगरी प्रेस क्लब के द्वारा पत्रकार साथी के साथ सेक्टर 1 थाने पर आवेदन देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पत्रकार आशीष डाबी ने पिछले दिनों पीथमपुर में एकता कंस्ट्रक्शन द्वारा सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने की खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद ही लगातार उसे धमकियां मिल रही थी। वहीं बीते दिनों उन्हें रास्ते में रोककर धमकाते हुए हमला करने की कोशिश भी की गई। इसके बाद मंगलवार को प्रेस क्लब के सभी साथियों ने सेक्टर 1 थाने पर पहुंचकर लिखित शिकायत कर मुकदमा दर्ज करवाया है। जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्यवाही की मांग भी की है। पीथमपुर से संजय सुनकर की रिपोर्ट। साथी पत्रकार पे जानलेवा हमला हुआ है, क्या है पूरा मामला? और यहाँ देखिए, प्रेस क्लब के एक हमारे साथी आशीष डाबी, इन्होंने क्या कुछ दिन पूर्व एक सर्विस रोड बन रहा है नगर पालिका के द्वारा, उसकी खबर चलाई थी। खबर के बाद जो है वहाँ के उन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने जो है इनको जान से मारने की धमकी दी और कल जो है इनका रास्ता रोक कर जो है प्राणघातक हमला करने की कोशिश की। मैं ये बताना चाहूँगा, आज तो हमने थाने पर आवेदन दिया है और मुकदमा भी दर्ज हो गया है, लेकिन ये अभिव्यक्ति के अधिकारों का हनन है। हम प्रजातंत्र में रहते हैं और आज इस देश के नागरिक हैं, एक पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अगर ये इन्होंने यहाँ तक यहाँ नहीं रोकी ये सब चीज़ें, तो आगे आने वाले समय में हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे और इन जैसे अपराधी, जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके खिलाफ एक बड़ी मुहिम दर्ज करेंगे। मैं प्रेस क्लब उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय। बताइए कि कल आपके साथ कोई घटना हुई थी, उस पर आपने आज क्या थाने पर क्या आवेदन दिया? और शनिवार रात में मेरे साथ दो अज्ञात बदमाश आए मेरे पास और मेरे को कहते ज़्यादा पत्रकारिता कर रहा है और एकता कंस्ट्रक्शन की खबर लगा रहा है उस कंपनी की, तेरे को बताते हैं रुको। तो फिर मैंने मेरे बीच बचाव के लिए कार की तरफ भागा मैं, और वैसे ही वो देख के वहाँ से भाग गए। फिर कल की शाम को, शाम के समय मेरे साथी पत्रकार के पास एक फ़ोन आता है कि आप है ना, बोले आपकी जो साथी पत्रकार आशीष डाबी, बोले उसमें उसकी दो दिन में डिजाइन डाल देंगे। तो मेरे को कहा है मैं एकता कंस्ट्रक्शन कंपनी की खबरें लगा रहा हूँ और रोड में जो इनने गुणवत्ताहीन है और उसमें डस्ट मिलाकर उनने काम किया था, उसको खबर मैंने प्रकाशित की थी। उसके माध्यम से एकता ग्रुप जो सागर के एकता कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले, ये मेरे को जान से मारने की धमकी और इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो मैंने थाने पर आकर FIR उनके नाम से लिखवाई है। आगे क्या आपकी कार्रवाई रहेगी? यहाँ पर कभी सुनवाई नहीं होती है तो मैं आला अधिकारियों के पास जाऊँगा और कुछ भी। आपका नाम? आशीष डाबी। एकता कंस्ट्रक्शन कंपनी जो सर्विस रोड का काम कर रही है, उसके संबंध में पत्रकार साथी आशीष डाबी ने एक रिपोर्ट को बनाई थी और उससे आक्रोशित होकर एक भूरा नाम का व्यक्ति जो उसके साथ दो आदमी थे, आशीष डाबी को जान से मारने की धमकी, रास्ता रोकने एवं टेलीफोन से गाली गलौज किया है। सेक्टर 1 थाना में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और किसी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि पत्रकार साथी के साथ यदि ऐसा हुआ है तो उसमें सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।